Morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School Kalayat. तो 12th maths में जो first chapter है relation and function, उसको हम कर रहे हैं and till now we have completed 3 videos. तो हमने उन वीडियो में relation के बारे में पढ़ा है, relation के types हम कर रहे हैं. तो previous video में हमने एक type किया था, reflexive. ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने किया था. और ये जो हम अभी तीन करेंगे रिफ्लेक्सिव, इसके बाद दो और आएंगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में यही तीन टाइप है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने डिस्कस किया था. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, बाकी मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रो के रूप में बता देता हूँ. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बेटा, अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो जाए, अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, और बाकी दूसरे भी एलिमेंट हो सकते हैं. मान लीजिए कोई एक सेट है ए, उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर कोई रिलेशन ऐसा हो कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ठीक है, और इनको छोड़ के भी कोई हो जाए, अगर जैसे 1 का 2 से आ गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो ध्यान दें, जो ये 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 दीज आर कंपल्सरी, ये तो कंपल्सरी है, ये तीन तो होने ही होने चाहिए. किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए. जो ये है 1, 2, नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, दिस इज ऑप्शनल, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो एक कंपलसरी पोर्शन होता है, एक ऑप्शनल होता है. और जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन किया था उसमें सिर्फ कंपलसरी पोर्शन होता है, ये नहीं होता. ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे कि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के अंदर ही अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन हो और एक हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, ये दोनों रिलेशंस हैं, दीज बोथ आर रिफ्लेक्सिव. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है, तो कंपल्सरी वाला पोर्शन तो ऑलरेडी कवर हो गया, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे. और यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारे आ गए, तो सारों का मतलब है कि कंपलसरी वाला भी आ ही गया, तो इसका मतलब ये दोनों रिलेशन क्या कह सकते हैं हम इनको, रिफ्लेक्सिव. ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो हम देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है. सिमेट्रिक मतलब जैसे अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी वही रिलेशन ए से होना चाहिए, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैं अगर बोलूँ कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इसका मतलब बी भी ए का भाई होगा. क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन है जो ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन है उसको हम सिमेट्री नहीं कह सकते. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ए और बी दोनों ही मेल हैं और ए बी का भाई है, तो बेटा अगर दोनों मेल हैं ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, सिमेट्री रिलेशन. तो हम थोड़ा सा एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले लेट ए बी एनी सेट, आपको एक सेट दे दिया ए और उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 1, 2, 3 एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर मैं कोई एक रिलेशन बनाऊं आर और उसके अंदर लिख दूं 1, 2, 2, 1, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1, 2, 2, 1, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है और फिर 2 का रिलेशन किससे आ गया, 1 से आ गया. ठीक है,
तो इसमें आप जो डेफिनेशन देंगे इसकी, उसमें आप लिख सकते हैं कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन ए से हो, और ए और बी भी सेट ए से आएंगे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देन द रिलेशन आर ऑन गिवन सेट ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए सेट पे जो रिलेशन है हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब एक चीज ध्यान दें, मैंने यहां पर ए रिलेटेड टू बी लिखा है और यहां लिखा बी रिलेटेड टू ए, तो बेटा जरूरी नहीं है कि आप इसी नोटेशन को यूज करें। जो ए रिलेटेड टू बी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी रिलेटेड टू ए को आप लिख सकते हैं बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। उस केस में आपकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बुक्स में ये हमने देखा है कम यूज होता है, ऐसे ही आप यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन में मतलब जाने की जरूरत नहीं है। ये नोटेशंस है, आप ये लिखोगे तब भी सही है, ये लिखोगे तब भी सही है। कुछ बुक्स में अगर आप आरडी शर्मा वगैरह में फॉलो करें तो उसमें आपको ये मिल सकता है, ठीक है, फिर तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कहने का मतलब है अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का भी ए से वही रिलेशन हो जाए, और एक चीज़ ध्यान रखें, इस चीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। कई बार एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाता है, आपको एक सेट दे दिया और उसके बाद रिलेशन लिखा हुआ है फाइव का सिक्स से, सिक्स का फाइव से, हम सोचते हैं कि सिमेट्रिक है ये फाइव का सिक्स से, सिक्स का फाइव से, लेकिन बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो वो ध्यान रखें कि वो जो फाइव और सिक्स है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट सेट, उस सेट में होने चाहिए दोनों, एक भी नहीं है तो इसका मतलब जो रिलेशन होगा वो होगा ही, ठीक है, सिमेट्रिक का तो स्वभाव भी नहीं पैदा होता। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था पिछले भी हमने जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया तो उसमें चेक किया था, एक तो होता बेटा यूनिवर्सल रिलेशन, एक है दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन, एक है यूनिवर्सल रिलेशन, एक आइडेंटिटी रिलेशन, ये दोनों के दोनों रिलेशन हमारे सिमेट्रिक होंगे। क्योंकि बेटा यूनिवर्सल रिलेशन में सारे रिलेशन आ गए, तो जितनी पॉसिबिलिटी थी और पॉसिबल रिलेशन आ चुके हैं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो आएंगे आएंगे उसमें, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन डबलेट का होता है, वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, तो जो डुप्लेट होते हैं, जो डबलेट होंगे उनको हम आइडेंटिटी रिलेशन में ही काउंट करते हैं, रिफ्लेक्सिव में भी आते ऐसी बात नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, और इससे नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज और आ जाती है एंटी सिमेट्रिक, मैं बता देता हूँ। एक रिलेशन होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में, क्या डिफरेंस है बेटा देखिए, उसके अंदर भी यही होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए belongs to R, ठीक है, that implies, मतलब उसमें एक चीज एक्स्ट्रा और आ गई, वो एक्स्ट्रा चीज क्या है कि A भी किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होता है,
मतलब अगर ए और बी भी आपस में इक्वल हो जाएं तो हम उस सिमिट्री रिलेशन को एंटी सिमिट्री रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3, ये लिख दिया, सेम सेट हमारा ए। तो इसमें ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक तो है ही, सिंपल सी बात है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और ये अब हम इसको एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे क्योंकि 1 का 1 से है, मतलब ए भी 1 है, बी भी 1 है, मतलब ए और बी भी इक्वल हो गए। तो अगर ए और बी इक्वल हो गए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन की बात करता हूँ, ये लास्ट टाइप का रिलेशन, इसके बाद हम वी कैन इजीली स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। इस ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव में हम एक ही एलिमेंट लेते थे, उसका खुद से रिलेशन बनाते थे। सिमेट्रिक ने में आपने दो एलिमेंट ले लिए, ए का बी से, बी का ए से, मतलब एलिमेंट दो लिए ए बी। ट्रांजिटिव के अंदर आप तीन एलिमेंट लेंगे, तीन कैसे देख लीजिए कि लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सपोज एनी सेट ए, कोई एक सेट है जिसके आपने तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होगी कि इफ A related to B and B related to C and that implies A is also related to C। देखिए A का रिलेशन किससे है, B से है, और B का रिलेशन किससे हो गया, C से। A का B से हो गया, B का C से हो गया, तो डायरेक्ट B ने हैंड ओवर कर दिया C को, तो ए का रिलेशन डायरेक्ट किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होती है तो हम बोलेंगे इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इसको दूसरी फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड A कोमा C इज ऑल्सो बिलोंग टू R। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हो जाते हैं इट मीन्स आवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा, ये तो थोड़ा सरल में समझ में आ गया, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। तो अब हम केस देखते हैं कि कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो नॉट ट्रांजिटिव की बात करेंगे। नॉट ट्रांजिटिव में ध्यान दीजिए, कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए ए का रिलेशन किससे है, बी से है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी का रिलेशन किससे, सी से है, बट ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर ये कंडीशन आ जाए, मतलब ए का बी से है रिलेशन, बी का सी से नहीं है, मतलब बी का सी से है, ए का बी से है, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से रिलेशन नहीं है, सिर्फ इसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का बी से रिलेशन है मान लिया, और बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब बी का सी से रिलेशन नहीं है,
ए का तो बी से है, मान लो बी का रिलेशन ही नहीं आगे किसी से, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आप देखिए बेटा, नॉट ट्रांजिटिव वाली एक्चुअली सिचुएशन ही नहीं बन रही, क्योंकि इसके लिए ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। इसमें तो तीनों थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, उसके लिए पहली दोनों तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पहला तो हो गया, चलो ए का बी से रिलेशन, लेकिन बी का सी से तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब वो चेन ही नहीं बनी। जब चेन ही नहीं बनी तो ये वाली कंडीशन तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, तो जब पहुंचे ही नहीं इसका मतलब नो ट्रांजिटिव वाली बात ही नहीं बनती। तो ये एक स्पेशल पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जिसमें ए का बी से रिलेशन होता है, बी का आगे नहीं होता, तो उसमें हम लिखते हैं दीज आर ट्रांजिटिव। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि क्या है वो, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आर वन लिया है, 1 2 2 3 3 1। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है। अब ध्यान दो, 3 का 1 से आ गया, तो आप बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो बेटा 1 का 3 से होना चाहिए था, 1,3 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 3,1। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आर टू, मैंने लिखा 1,2 और 2,3 लिख दिया। ठीक है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से होना चाहिए वो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब और ले लेते हैं एग्जांपल आर थ्री। देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, ठीक है मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सोचिए, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, अब इसमें बताइए ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि बेटा ध्यान दें यहाँ पर ए वन है, बी भी वन है, और सी भी अगर देखा जाए तो वन हो ही गया। चेक कीजिए, ए का बी से, वन का वन से बिल्कुल है, बी का सी से, वन का वन से बिल्कुल है, ए का सी से, वन का वन से हो भी। तो जो डबलेट होते हैं वो सिमिट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो इसमें हमने जो ट्रांजिटिव में, जो दोनों में रिफ्लेक्सिव और सिमिट्रिक में एक्चुअली एक केस स्टडी किया था, यहाँ भी कर लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन और एक दूसरा है हमारा आइडेंटिटी। ये दोनों के दोनों रिलेशन बताइए ट्रांजिटिव है या नहीं? बिल्कुल है, बोथ आर ट्रांजिटिव, दोनों क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो एक्सरसाइज 1.1 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।